फ्रेंड्स प्रज्ञा, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज ना आप लोगों के साथ जो बना रही हूँ वो शेयर कर देती हूँ। तो आज मैंने एक ये, इसको हम लोग बोलते हैं झिंगली, और आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं इसको पहले अच्छे से छील लूँगी, तो अच्छी तरह से छील के पानी से धो के साफ करके और कट कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा ये मोटा मोटा काटे हैं। अब इसमें मैं चना का दाल ऐड कर दूंगी, जिसको मैं पहले से धो के रखी थी। इसमें मैं अब हल्दी डाल दूंगी। हल्दी डाल दिया, इसी में डाल देती हूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, क्योंकि अच्छी तरह से स्वाद अनुसार नमक। अब मैं इसको सेट कर देती हूँ सीटी लगने के लिए। कुकर को मैं सेट कर देती हूँ, फिर आपसे ये चना का दाल दी है तो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा सीटी लगेगा, तब ये पकेगा अच्छी तरह से। चार पांच लगना चाहिए। हाँ ठीक है, फिर मैं इसको पका के फिर आपसे मिलती हूँ। झिंगली को फ्राई करने के लिए मैंने प्याज, थोड़ा सा लहसुन, क्योंकि मुझे ज़्यादा लहसुन पसंद नहीं है, और फिर थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा सा टमाटर कट कर लिया। इसमें कढ़ाई में मैंने तेल और जीरा डाल दिया, क्योंकि तेल पक चुका था ऑलरेडी। मैं मिर्ची काटना भूल गई, मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया। अब इसको थोड़ा पकने देती हूँ। और इधर मेरा ये तैयार है तलसी भी, इसको बस फ्राई करना है, देख सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी पक जाए चाय जल्दी से। अब आप देख सकते हैं ये लाल होने लगा है। अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा टमाटर हो जाने के बाद। अब मैं क्वांटिटी थोड़ा कम कम करती हूँ, क्योंकि बहुत कॉस्टली पड़ता है। अब मैं इसको थोड़ा सा होने देती हूँ, फिर इसमें जल झिंगली जो बना हुआ है उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ थोड़ी देर में। देख सकते हैं यह पूरी तरह से मिल चुका है। अब मैं इसमें दाल ऐड कर देती हूँ। ऐड करते हुए तो मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैं ही शूट कर रही हूँ, मैं ही बना रही हूँ, तो एक हाथ से पॉसिबल नहीं हो सकता है। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ऐसे ही, जिसको पसंद है वो बना सकते हैं, ऐसे तो सबको आता है, ऐसा थोड़ी हम कुछ स्पेशल बना रहे हैं। आप लोगों को अगर पसंद आए तो आप लोग बना सकते हैं। अब मैं इसको खोलने दूंगी थोड़ी देर, फिर गैस को ऑफ करूंगी, तो फिर खोलने देती हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज का नाश्ता आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं, रोटी, आलू गोभी की भुंजिया, सलाद और दाल झिंगली।
तो दोस्तों जो है अब टेस्ट करके आप लोगों को बता देता हूँ कैसा। तो दोस्तों बेटे को बहुत टेस्टी लगा और साथ ही मुझे भी बहुत अच्छा लगा।